हाय फ्रेंड्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स या फिर क्लासेस ऑफ इंटरप्ट्स। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स देखेंगे, चाहे वो जिस भी तरह का इंटरप्ट हो। आपको ये ध्यान रखना है जो बेसिक स्टेप्स मैंने लास्ट क्लास में बताए थे इंटरप्ट हैंडलिंग के, वो सारे ही सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं सब केसेस में। आज के लिए हम बस इतना फोकस करेंगे कि डिफरेंट तरह के इंटरप्ट्स क्या क्या हो सकते हैं जो किसी भी सिस्टम में अराइज हो, और कैसे डिफरेंटली हैंडल करना है उन सबको, या फिर क्या माइन्यूट डिफरेंस है इन सब में, उन्हें इतनी डिटेल में नहीं जानेंगे, बिकॉज एन ओवरव्यू इज सफिशियंट फॉर दिस सब्जेक्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहला काइंड ऑफ इंटरप्ट जो होता है या टाइप ऑफ इंटरप्ट जो होता है वो होता है प्रोग्राम इंटरप्ट। प्रोग्राम इंटरप्ट नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है, जो इंटरप्ट प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन से जनरेट हो। ऑलराइट, सो प्रोग्राम इंटरप्ट, ये इंटरप्ट वो होते हैं जिनका कॉज प्रोग्राम में लिखी हुई कोई भी इंस्ट्रक्शन है, और वो इंस्ट्रक्शन एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी कंडीशन को अराइज करती है जिसकी वजह से ये इंटरप्ट जनरेट होता है। सो व्हाट वी कैन राइट इट दैट इट अकर्स व्हेन सम इंस्ट्रक्शन within the program creates a situation or creates a condition that gives rise to an interrupt. ठीक है, that leads to an interrupt. अब ऐसी क्या situation हो सकती है? ऐसी सिचुएशन हो गई जैसे आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी जिसमें ऑपरेंड्स ऐसे हैं कि वो फाइनली डिवाइड बाय जीरो परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, मतलब डिवीजन इंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन डिवीजन है उस इंस्ट्रक्शन में, लेकिन ऑपरेंड्स की वैल्यूज ऐसी है कि डिवीजन जीरो से होने की ट्राई कर रहा है वो इंस्ट्रक्शन। या फिर एक हो गया कि आपने कुछ ऐसी कमांड्स लिखी जो कि आपके प्रोग्राम की लोकेशंस के अलावा आउटसाइड द एलोकेटेड लोकेशंस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अरिथमेटिक ओवरफ्लो हो गया कि आपने कुछ ऐसा रिजल्ट असाइन किया एक पर्टिकुलर डेटा टाइप में जो कि उसे होल्ड ही नहीं कर सकता। सो दीज आर द सिचुएशंस या कंडीशंस दैट लीड टू एन टू द टू अराइजिंग ऑफ अ प्रोग्राम इंटरप्ट। ठीक है, सो दैट लीड्स टू एन इंटरप्ट। जनरली थ्योरी एग्जाम्स में या डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्ट्स पूछे जाते हैं अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, सो आप के लिए ये जानने जरूरी है और इन सबका डिफरेंस जानना भी जरूरी है। सो ये एग्जाम्पल हो गया डिवाइड बाय जीरो एरर या डिवाइड बाय जीरो, इसके अलावा हो गया अरिथमेटिक ओवरफ्लो, या फिर जैसे कि मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था an attempt to refer or access an illegal memory location, illegal with respect to the permissions that are granted to you. ठीक है, illegal memory location. अब इसके बाद next category of interrupt पे आते हैं, और वो category है timer interrupts. ठीक है, timer interrupts. हर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डिफॉल्ट टाइमर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल करता है ताकि वो ऐसे टास्क परफॉर्म कर सके जो कि हर रेगुलर इंटरवल में होने चाहिए। ठीक है, सो दीज इंटरप्ट्स आर जनरेटेड बाय द टाइमर दैट इज प्रेजेंट within the processor, present within the processor, और
ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइमर को इस तरीके से सेट करता है कि जब भी ये इंटरप्ट आए तो बेसिकली इट इज अ रिमाइंडर टू द प्रोसेसर टू परफॉर्म अ टास्क दैट हैज टू बी डन एट रेगुलर इंटरवल. सो सपोज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक पर्टिकुलर टास्क से अपडेटिंग ऑफ वायरस डेफिनेशंस या फिर अपडेशन किसी भी तरह के कंपोनेंट्स का या डेफिनेशंस का परफॉर्म करना है एवरी मंथ या एट द एंड ऑफ टू मंथ्स. सो एट द एंड ऑफ टू मंथ्स एक इंटरप्ट जनरेट होगा एट द स्पेसिफाइड इंटरवल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और वो इंटरप्ट प्रोसेसर को बताएगा कि this is the time when you have to check for any updates in the system. ठीक है, जो कि सिस्टम को अप्लाई करती हूँ. सो टाइमर इंटरप्ट्स आर नो एरर कंडीशन. टाइमर इंटरप्ट्स आर सेट अप बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम सो एज अ रिमाइंडर टू डू सम थिंग्स विच आर इंटेंडेड टू बी डन एट रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम सेट्स द टाइमर to perform certain operations on a regular basis. और ये interrupt उस operation को perform करने का एक reminder होता है. ठीक है, next category पे आते हैं, the fourth category which is input output interrupts या IO interrupts. IO interrupts definitely IO devices generate करेंगे या फिर to be very specific IO components generate करेंगे. So these interrupts are generated. IO components generated by IO devices through IO components आप लिख सकते हैं. ठीक है, और ये कब generate होते हैं, या तो ये किसी एरर कंडीशन को हाईलाइट करते हैं कि प्रोसेसर ने कुछ डायरेक्ट किया था आईओ डिवाइस को परफॉर्म करने के लिए, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए, और उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते टाइम कुछ अगर एरर एनकाउंटर हुआ है तो उस केस में इनपुट आउटपुट डिवाइस बताएगी प्रोसेसर को कि क्या एरर एनकाउंटर हुआ है. ठीक है, एक तो वो कंडीशन हो सकती है या एक वो सिचुएशन हो सकती है. दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर प्रोसेसर ने कुछ काम एलोकेट किया था आईओ डिवाइस को और वो कंप्लीट हो गया, जैसे हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक प्रिंटिंग जॉब असाइन किया था प्रोसेसर ने प्रिंटर को और जब वो कंप्लीट हो रहा था तो प्रिंटर इंटरप्ट कर रहा था प्रोसेसर को और ये बता रहा था कि इट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, द टास्क हैज बीन सक्सेसफुल. सो इन ऐसे केसेस में या ऐसे सिनेरियोज में आईओ इंटरप्ट जनरेट होते हैं. सो दे हाईलाइट और दे सिग्नल सक्सेसफुल कंप्लीशंस, सक्सेसफुल टास्क कंप्लीशन और एरर कंडीशन दैट कैन अराइज. ठीक है, और एरर कुछ भी तरह का एरर हो सकता है रिलेटेड टू दैट डिवाइस, दैट पर्टिकुलर डिवाइस और स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन की. सॉरी, दिस वॉज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन. ठीक है, सो आईओ इंटरप्ट के बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, वो है हार्डवेयर फेलियर्स या हार्डवेयर इंटरप्ट्स. हार्डवेयर इंटरप्ट्स हार्डवेयर फेलियर्स की वजह से होते हैं और डेफिनेटली इनका कॉज होता है हार्डवेयर डिवाइसेस या फिर हार्डवेयर इश्यूज, जिनकी वजह से प्रोसेसर को ये सिग्नल किया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है हार्डवेयर में एंड देयर नीड्स टू सम एक्शंस नीड टू बी टेकन ऑफ. ठीक है, टू टेक केयर ऑफ सच सिचुएशन या टू हैंडल सच सिचुएशन. सो हार्डवेयर इंटरप्ट में आप कोई भी ऐसा इंटरप्ट लिख सकते हैं जो हार्डवेयर फेलियर की वजह से हुआ है. सो द कॉज इज फेलियर्स, एनी फेलियर रिलेटेड टू हार्डवेयर रिलेटेड टू हार्डवेयर. और इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे मेमोरी पावर पैरिटी एरर,
या फिर आपकी अगर हार्ड डिस्क या फिर अगर आपकी मेमोरी करप्ट हो गई है और यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, या फिर अगर कोई आपका स्पेसिफिक हार्डवेयर कंपोनेंट फेल हो गया है विद इन द कंप्यूटर सिस्टम, तो कोई भी एरर उससे रिलेटेड अगर जनरेट होता है तो उसे हम इस कैटेगरी में फॉल कराते हैं. मतलब जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो एक इंटरप्ट जनरेट होगा जो कि प्रोसेसर को कहेगा कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरप्ट हैंडलर कॉल करो और उसे सर्विस करो, यानी इस सिचुएशन को हैंडल करो. ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको इंटरप्ट हैंडलर और इंटरप्ट सर्विस रूटीन का के बारे में बताया था. आपको कई बुक्स में इंटरप्ट हैंडलर सेम मिलेगा एज इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं या फिर मेजॉरिटी ऑफ बुक्स ऐसी हैं जो कि इंटरप्ट हैंडलर को ही इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहती हैं, और यही अप्रोच हम इस सीरीज में भी फॉलो करेंगे कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज द अदर नेम फॉर इंटरप्ट हैंडलर्स एंड बोथ ऑफ देम रेफर टू द कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द हैंडलिंग ऑफ इंटरप्ट्स, या फिर दैट इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग और प्रोसेसिंग द इंटरप्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स में बस ये चार तरह के इंटरप्ट्स होते हैं, आपको इनका एक ओवरव्यू जानना सफिशिएंट है, और टाइप और इनके एग्जाम्पल्स जो कि मैंने आपको बताए. सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ इजी इंजीनियरिंग क्लासेस. प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो सो दैट यू डू नॉट मिस एनीथिंग. थैंक यू.